माफी मांगी और मिली लाठी। मामला है महाराष्ट्र के धुलिया का, जहां पर धुलिया जिले के पालक मंत्री एवं शिक्षण मंत्री अब्दुल सत्तार से न्याय मांगने गए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने मंत्री जी के सामने ही धो डाला, अर्थात अमानवीय मारपीट की, जो कि किसी भी दृष्टि से सही नहीं है और इसका सभी ओर लगातार विरोध होने लगा है। भाजपा की ओर से राज्य सरकार की निंदा करते हुए जगह जगह पर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपे जा रहे हैं और ऐसा ही एक निवेदन जलगांव में भी भाजपा के विधायक सुरेश भोले के हाथों से दिया गया, जिसमें शिक्षण मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। एक निवेदन द्यायला गेले होते की बा विद्यार्थ्यांची फी कमी करावी, विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न होते, मला वाटतं पालकमंत्री ते धुळ्याचे होते, त्यांची जबाबदारी होती, त्यांनी वेळ द्यायला पाहिजे होती, वेळ तर दिलीच नाही आणि त्यांना उलट त्यांच्यावरती लाठीचार्ज करायला सांगितलं। अशा पालकमंत्र्याचा या ठिकाणी सरकारचा आम्ही निषेध करण्यासाठी आलेलो होती युवा मोर्चाच्या माध्यमातून, त्यांनी पालकमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अब्दुल सत्तार यांनी। एबीवीपी की ओर से भी जलगांव के जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया, जिसमें इस तरह के जुल्म करने वालों को सजा मिलने की मांग की गई है। सिर्फ एबीवीपी और भाजपा ही नहीं बल्कि समूचा छात्र संघ यह मांग कर रहा है कि यहां जो भी मांग करने वाले लोग थे वो छात्र थे, ना कि कोई गुंडे मवाली जिसे पुलिस वाले इतनी बदतमीजी के साथ मारपीट कर भगा रहे थे। वीडियो में दिख रहे पुलिस वालों पर जरूर और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसे पुलिस वालों को पुलिस दल से निकाल देना चाहिए, ऐसा भी लोग कहने से चूक नहीं रहे हैं। धुलिया से ब्यूरो न्यूज के साथ जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत और आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। शुभ मंगलम सर्व मंगलम नक्षत्र मंगलम अलंकार मंगलम रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर्थ।